वाराणसी के दुर्गाबाड़ी मंदिर में स्थापित देवी दुर्गा की इस मूर्ति का एक दिलचस्प इतिहास है। तकरीबन 250 साल पहले इस मूर्ति को यहाँ स्थापित किया गया था। कहा जाता है कि इस मूर्ति को मुखर्जी परिवार ने स्थापित कराया था। ये माँ 1767 में इनका वो स्थापित हुआ था, तो उसी टाइम दुर्गा, जैसे नवरात्र की दुर्गा पूजा होता है, उसी दिन दुर्गा पूजा में माँ को बैठाया गया था। दशहरे वाले दिन माँ को जब उठाने के गए विसर्जित के लिए, तो माँ ने उठे नहीं है। फिर दो दिन और प्रयास किए तो नहीं उठे, तो फिर माँ ने घर के मुखिया को सपना दिया, बोले कि जे हमें उठाने के प्रयास ना करो, मैं काशी वास करना चाहती हूँ और हमें ऐसे कुछ नहीं चाहिए, मैं गुड़ चना में संतुष्ट रहेंगे, इसी में आप लोग मेरा सेवा करो। दुर्गाबाड़ी मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है। जब यहाँ मूर्ति स्थापित की गई थी, उसके बाद जब उसको प्रवाह करने के लिए उठाने गए तो मूर्ति यहाँ से उठी नहीं, और तब से जो है यही स्थापित है, ऐसा ही मान्यता है यहाँ की। कई सौ साल पुरानी है, सुनने पेपर में तो ये आता है, कहीं से लाई गई थी, यहाँ स्थापित की गई थी, यहाँ विसर्जन के लिए ले जाएगा, तो यहाँ से ही ले, तब से यहीं पे है, बस इनकी बहुत मान्यता है। हम लोग साल दो साल में दर्शन करने आ जाते हैं कभी कभी। बहुत पुराना है मंदिर, 250 साल पुराना, तो हम लोग आए दर्शन करने आते रहते हैं अब हमेशा। इस ऐतिहासिक मूर्ति को मिट्टी, पुआल और अन्य प्राकृतिक चीजों से बनाया गया था। सबसे खास बात यह है कि इस मूर्ति का रंग आज भी वैसा ही है जैसा 250 साल पहले था।